तालियां। दोनों हाथ उठाकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें संबोधित करें। मंच पे आसीन हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें संबोधित करें। जो समाये हुए हैं आसीन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें संबोधित करें। सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे सांसद केपी यादव जी, हमारे विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी, हमारे जिला में जो समाये हुए हैं और प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य राम सिंह यादव जी, भूपेन्द्र द्विवेदी जी, राव राजकुमार सिंह जी, नारायण प्रसाद जी, गजराम सिंह जी, लड्डू राम कोरी जी, धर्मेंद्र रघुवंशी जी, मोनू रघुवंशी जी, वीरेंद्र यादव जी, सुभाष जैन जी, मनीष मोदी जी और मंच पर आसीन समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानुभव, और मेरे सामने बैठी हुई मेरी चंदेरी की मेरी समस्त प्यारी जनता जनार्दन, नहीं मेरे तो दिल की धड़कन जो आगे मेरे सामने बैठी हुई है मेरी जनता, आप सबको झुककर प्रणाम। मेरे साथ कहिए जगेश्वरी मैया की, जगेश्वरी मैया की, जगेश्वरी मैया की। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए जमीन से लेकर जन्म से लेकर 60 साल की उम्र तक महिला का देखभाल अगर इस पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है मेरे भाई और बहनों। और आज शिवराज सिंह जी को हम चंदेरी में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मेरी चंदेरी में हम लोग स्वागत करें मेरे भाई और बहनों। पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। ये चंदेरी शिवराज सिंह जी, ये चंदेरी हमारी जो चंदेरी है संस्कृति की धरोहर है, हमारी चंदेरी इतिहास की धरोहर है, हमारी चंदेरी के पग पग में, हमारे चंदेरी में एक एक कदम पर इतिहास की गूंज, पूर्ण रूप से उसकी ध्वनि आज तक मेरे भारत को लोखरेखांकित करती है मेरे भाई और बहनों। चाहे हम बादल महल की बात करें, कौशक महल की बात करें, चंदेरी किले की सौंदर्यीकरण की बात करें, और रात को तो किला ऐसा दिखता है कि विश्व का ऐसा जगमगाता हुआ मेरा हीरा की तरह मेरा चंदेरी का किला दिखता है। आज के इस दिवस पर जो विकास और प्रगति शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में आई है, जो विकास और प्रगति आपके सेवक के रूप में 18 साल मुझे मौका मिला, जिस चंदेरी में प्यास पूर्ण रूप से व्यापक हो गई थी, उस चंदेरी को राजघाट से जोड़कर पानी की योजना, ताकि एक एक मेरे चंदेरी का वासी कभी भी 2050 तक प्यासा ना रहे, उस योजना को हम लोग ने साथ में क्रियान्वयन किया। और आज जब अगर शिवराज सिंह जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। जहां एक तरफ ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज लगा था, आज वहां चंदेरी के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल, 15 करोड़ रुपए की सौगात साथ में लेके आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद। आज केंद्र विद्यालय 18 करोड़ का चंदेरी चंदेरी में है, हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, हमारा किला जगमगाता है, सड़कों का अंबार है, हमारा बुनकरों का विकास है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क अगर है तो वो मेरे चंदेरी में है। 240 लूम मेरे बुनकरों के लिए यहां बना है। और आज जब शिवराज सिंह जी हमारे समक्ष आए हैं तो अपने साथ, जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी की योजना लेके आए थे, जब बेटी जन्म होती है तो मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं, बेटी लखपति के रूप में जन्म होती है शिवराज सिंह जी के बदौलत। जब बेटी स्कूल जाती है तो उस बेटी को स्कॉलरशिप
13 लाख बेटियों को उस मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। जब बेटी उत्कृष्ट मार्क से स्कूल से निकलती है तो बेटी को ई स्कूटी देने का कार्य राष्ट्र में किसी मुख्यमंत्री ने अगर किया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और जब बेटी की उम्र अपने घर से दूसरे घर में जाने की हो जाती है और बेटी की लग्न होती है तो कन्यादान योजना के तहत शिवराज सिंह जी ने 51,000 रुपया हर बेटी के शादी में देने का जो लक्ष्य पूर्ण किया है। और जब बेटी बहना बन जाती है, अपने घर में चली जाती है, तो लाडली बहना के योजना के आधार पर 1,250 रुपया हर बहना के खाते में जून के माह से आपके खाते में पहुंच रहा है। मेरे बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से अपने भैया का धन्यवाद दो। और अभी तो 1,250 है, कांग्रेस को खुजली आ गई, बोला 1,500 रुपया। तो अगर कांग्रेस नहला है तो भारतीय जनता पार्टी दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1,250 नहीं 3,000 रुपया तक हम ले जाएंगे लाडली बहनाओं के लिए। तो आज आपको निर्णय लेना है। ये चंदेरी में 10 साल से कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है और कुछ तो गलती हमारी भी है, पर आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शिवराज सिंह जी का प्रत्याशी, प्रधानमंत्री जी का प्रत्याशी, नड्डा साहब का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी आपके सामने जगन्नाथ रघुवंशी के रूप में खड़े हैं। आज सब लोग इनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दोगे? दोगे? अगर दोगे तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। अगर शिवराज सिंह जी में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, है? ज्योतिरादित्य सिंधिया में विश्वास है, है? में खड़े रहिए, जगन्नाथ सिंह जी खड़े रहिए, खड़े रहिए, बैठा नहीं है, खड़े रहिए, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और अब हमारे मध्य प्रदेश के